धमापुर थाने क्षेत्र अंतर्गत दो गुट की गैंगवार में घर जा रही राकेश भोटिया को पत्थर लग जाने के चलते हुई मौत मामले को लेकर परिजनों ने थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनों के साथ भाजपा के पूर्व विधायक अंचल सोनकर भी थाने पहुंची, जहां अंचल सोनकर के द्वारा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि क्षेत्र में अवैध शराब के अड्डे, जुआ, सट्टा जैसे अपराध फल फूल रहे हैं। बदमाश बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस के कुछ लोग ऐसे लोगों को शह दे रहे हैं, जिसके चलते एक आम युवक को मौत की घाट उतार दिया गया, जहां पूर्व विधायक और परिजनों ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। तीन मर्डर हुए हैं इस थाने के अंदर, तीन मर्डर हुए हैं। मैं अभी टीआई से बोला कि यहाँ पे तो कहे जब मैं नहीं था, जो टीआई नहीं आएगा तो उससे रहते एक मर्डर फिर होगा क्या? अरे टीआई मतलब टीआई, पुलिस वाले मतलब पुलिस वाले, पर यहाँ पे एक लड़के को इसके आधा घंटा पहले एक दो लड़के जो मर्डर किए हैं उनने मर्डर वो चाकू मारा रहा, उसका बिखरे हुए इलाज चल रहा था। यहाँ पे विधायक और विधायक का भाई जो गुंडा है, जिसको ऊपर गुंडा एक लगना चाहिए पर पुलिस लगाती नहीं है। क्यों नहीं लगाती? डरती है, पता नहीं क्यों डरती है। उनको दारू के ठेका भी चलते हैं और ठाकुर द्रविड़ के पास पैसा आता है टीआई के पास महीने का, इसलिए वो डरती हैं। यहाँ पे पहले जो रहा पे यहाँ पे धौर की थाना की स्थिति, वो स्थिति ये रही कि आए दिन महीने में दो दिन मर्डर यहाँ होते ही रहे। अब वही स्थिति फिर बन रही है। वो स्थिति क्यों बन रही है? इसलिए बन रही है कि यहाँ जो थाने वाले हैं टीआई से लेके और भी एसआई से और भी लोग, जो सब नहीं है कुछ लोग जो ये है, ये लोग क्या खुद बुला बुला के यहाँ कर रहे हैं, जालू दारू बिकवाओ, जुआ खेलवाओ, सट्टा खेलवाओ। आप यहाँ देखिए चुंगी चौकी के पास कल एक महिला लूटी कि नहीं लूटी? एक महिला लूटी कि नहीं लूटी? यहाँ पर दिन दहाड़े लूटी और उसके किनारे पर वहाँ पर लाइन से बैठ कर दारू पिलाया जाता है, तो दारू कौन बेचेगा? पुलिस काय के लिए है? गुप्ता ऐसा ही था और कुछ पुलिस वाले यहाँ पे हैं, ये खुद दारू बिकवाते हैं, जुआ सट्टा दारू खिलवाते हैं यहाँ पे। ये थाना इतना बेकार थाना हो गया तो हम तो लगता है कि तीन मर्डर हुए हैं और मर्डर ना हुए यहाँ पे। हम तो ये कहते हैं कि जो यहाँ पे जुआ सट्टा दारू खिलाए तो हमको उल्टा टांगो और लाल जूते मारो। पर वो आधा घंटा 7:30 बजे करीब यही लोग एक लड़के को चाकू मारे थे, अगर वो पकड़ जाते तो एक केस ना हो पाता। और रात में 12 बजे यही लड़के जो मर्डर किए हैं वो जाके जलमीन बनाते हैं अपना, इस लड़के को गोली मारते हैं और गोली कहाँ से मारे? उसको सिर में लगा, इस पार्ट पर ही वो ख़त्म हो गया रहा वो, और वो पड़ा रहा काफ़ी देर। यहाँ से पुलिस बहुत लेट गई है, तो उठा के लाइए चाय पिलाइए आपका उसे टैक्सी में उठा के ले, तब वो वहाँ ले गए। तो इसलिए हम तो कहते जो यहाँ पे आप ठीक है, हम आज शौक नहीं पुलिस का विरोध करना, मैं भी क्षेत्र 5 बार विधायक रहा पर मैं कंट्रोल लगता रहा, जरा भी बात होती रही मैं खुद आता रहा। फिलहाल एसआई को निलंबित करने की मांग की है। बिल्कुल, पहले ट्रांसफ़र हो गया रहा, उससे क्या इस थाने को और अधिकारियों को जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं क्या फ़ायदा है उससे? उससे फ़ायदा क्या है? एक नंबर के यहाँ दलाल है वो, यहाँ पे जितने अराब चल रहे हैं सब अपराधी वही कराता है। रीमा से आया है तो भैया चले जाए रीमा, चले जाए ना रीमा में, चले जाए वहीं करें और यहाँ रह के मैं समझा दिया हूँ। अगर अब एक गलती कोई करेगा तो मैं थाने में घुस के जो मेरे को करना होगा मैं करूँगा, खुला चैलेंज है मेरा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर निलंबित नहीं होता तो क्या आगे? निलंबित होगा तो मैं बताऊँगा ना मैं क्या करना है, मैं बताऊँगा क्या करना है उसके लिए, और एक दो और कॉन्स्टेबल उनके लिए क्या करना है मैं बताऊँगा क्या करना है। कितने लोगों की मांग की आपने निलंबित? मांग 3-4 लोग हैं, 3-4 लोग हैं जो दुष्ट टाइप के हैं, यहाँ पे उनसे कोई मतलब नहीं है। आप जुआ खिलाओ, सट्टा खिलाओ, किसी बहन को छेड़ दो, किसी और को। ये थाना कमापुर में कल रात को एक हत्या की गई जिसमें पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस स्पॉट पर पहुंची थी और उन्होंने उस घटना को लेकर अपराध कायम करा और टीम्स लगी हुई। उसी के रेफरेंस में आज उनके परिवारजन और कुछ और लोग अपने कंसर्न्स लेके आए थे थाने कि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए, सब क्षेत्र में जो अपराध हो रहे हैं उन पर और कंट्रोल के लिए सबके रेफरेंस में उन्होंने अपनी मांगें कुछ रखी हैं सामने, तो जिस पे हम पूरी कार्रवाई करेंगे और जो भी जो आरोपी हैं जो इस घटना में है उनको पकड़ा जाएगा और आगे जो भी और कार्रवाई हम करेंगे एरिया को सिक्योर और सुरक्षित करने के लिए और पुलिस के लिए।